फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का आज ये सिखाऊंगी कि एग रोल कैसे बनाया जाता है चिकन का। तो हमें आज चिकन एग रोल के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। कैबेज, उबला हुआ चिकन। इस चिकन को मैंने प्याज, लहसुन और नमक इस पानी में उबाला है बस। और ये प्याज का पत्ता, गाजर, काली मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक अंडा। और एक दूसरी किस्म का जब एग रोल बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे लगेगा एलोपिनियो चीज़। मैंने इस कंपनी का एलोपिनियो लिया हुआ है। ये विनेगर में डूबा हुआ रहता है। अगर आपके यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसे आप विनेगर में एलोपिनियो को लीजिए, विनेगर और नमक में डुबाइए तो इस तरह से बनेगा। मैंने इसे तरह से लेकर ये बीच का हिस्सा निकाल दिया है। ये बीच के हिस्से को मैंने निकाल कर सिर्फ ये हिस्सा लिया है। क्या अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से हम बनाएंगे। ये काली मिर्च पाउडर, धनिया और नमक मैंने इन सबको मिश्रण किया है इसे। ओके, अभी हम इसे बनाएंगे। देखिए किस तरह से ये स्ट्रेट कटा हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा डिज़ाइन भी आती है। इस पर मैंने कैबेज रखा, चिकन रखूँगी इस तरह से, गाजर इस तरह से रखूँगी, प्याज के पत्ते और ये थोड़ा सा चुटकी भर मसाला, ये एग है, इसे साइड पाउडर पे लगाऊंगी कि ये चिपक जाए। इस तरह से देखिए इसे चिपका दूंगी। यहाँ से इसे फोल्ड, यहाँ से फिर इसे रोल करूँगी, थोड़ा सा ऐसे पुश करके लूँगी कि वो रोल अच्छे से हो जाए। इस तरह से ये देखिए, ये है रोल। ये पहले वाले में मैंने चीज़ नहीं डाला था लेकिन इसमें चीज़ डालेगा, ये बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए इसमें चीज़, एलोपिनियो, जिन्हें तीखा पसंद है उनके लिए एलोपिनियो, गाजर, कटा हुआ प्याज का पत्ता, ये रहा एलोपिनियो, इस तरह से लगाऊंगी, थोड़ा सा मसाला, ये अच्छे से चिपक जाए इसीलिए अंडा अच्छी तरह से इसे लगाइए, ये ऑयल में ना खुले। ये चीज़ और एलोपिनियो मिक्सिंग इस तरह से अच्छी तरह से गर्म करके लीजिएगा। इसे नीचे की तरफ डुबाइए, ऑयल ऊपर आना चाहिए कि चारों तरफ से वो फ्राई हो जाए। गैस का आंच मैंने बढ़ा लिया।
ब्राउन हो जाए फिर उसे निकाल लीजिए। मैंने इसमें प्लेट में रख दिया है डिजाइन। इसे ये जो है ये विदाउट चीज वाला है, जिसे इस तरह से काटना है। फिर ये चीज वाला है, चीज एंड एल्पिनियो, इस तरह से यहाँ पे डिजाइन करें। ये टमाटो सॉस तीखा वाला है, इसको इसी इसमें जो चीज नहीं है, एलोपिनियो नहीं है, वो इस टमाटो के सॉस खाइए, सॉस के साथ में आप खाएंगे, और जिसमें चीज है वो मीठे वाले सॉस के साथ खाएंगे, बहुत मजा आता है। चलिए अभी हम खाएंगे।